1 meter is equal 100 meter, 1 centimeter is equal 10 millimeter. ठीक है, ये आप लोगों ने दुबारा लर्न कर लेना है इसको अच्छी तरह, क्योंकि ये अगर आपको आते हैं तो हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह जाएंगे। ठीक है, दोबारा से एक बार बता रही हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये आप लोगों ने लर्न करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप लोगों ने जब एक्सरसाइज 5 कम्प्लीट होगी उसके बाद वो आप लोगों ने पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। बुक का पेज नंबर 1-3 आप लोग ओपन करेंगे, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की हमारा स्टेटमेंट है कन्वर्ट टी टू मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट इनटू मीटर। आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, कुछ उसमें किलोमीटर में गिवन है, कुछ किलोमीटर एंड मीटर में गिवन है, तो आपने उसमें कन्वर्ट करना है मीटर से। ठीक है, हम इसका ए पार्ट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में हमारे पास लेंथ है 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें 39 किलोमीटर हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमें इसे कितने कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है, अच्छा, एवरेज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, याद हो गया, इस बात की लर्न करना, 1 किलोमीटर कितने मीटर में, 1000। अब हमें 1 किलोमीटर का हमें पता है तो हम कितने में फाइंड करेंगे, 39 किलोमीटर। जब हमें 1 की वैल्यू पता हो तो हमें 11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, ये जो हमने दोबारा याद किया हुआ होगा ना, वो हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, और हमने फाइंड करना है 39 किलोमीटर, तो देखते 39 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 39 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 39 और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 39000। ठीक है, 39000। अच्छा, देखिए हमने इसको कन्वर्ट कितने किया है मीटर में, वैल्यू हमारे पास कितने गिवन थी किलोमीटर, अब जब हमने कन्वर्ट मीटर में किया तो हमारे पास आंसर के साथ यूनिट क्या आएगा, मीटर। ठीक है, मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये ए पार्ट का कंप्लीट हो गया। इसी से हम एक और पार्ट करते हैं। ठीक है, बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 405 किलोमीटर। ठीक है, वैल्यू हमारे पास है 405 किलोमीटर। इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे हमने ए पार्ट किया, वैल्यू हमारे पास किलोमीटर में गिवन है और हम इसको कितने कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। ठीक है, जो हमने दुबारा लर्न किया है टेबल में है इसके बराबर। ठीक है, अब हमें 1 किलोमीटर की वैल्यू नाउ है कि वो हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और हमने कैलकुलेट किसकी करनी है, 405 किलोमीटर। ठीक है, नाउ वी राइट 405 किलोमीटर इज इक्वल टू 405 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 405 को 1000 के साथ करेंगे, हमारे पास 405 और 1000 बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये ए और बी पार्ट में लिए, अब कितनी जगह
1000 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 45 किलोमीटर एंड 415 मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट किसमें करें, मीटर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है 415 जो है ये हमारे पास ऑलरेडी मीटर में ही है, ये बच्चे ने। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ये जो किलोमीटर में है ना 45 किलोमीटर, इसको हम चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे मीटर को, तो उसमें कैसे चेंज किया था, मल्टीप्लाई 1000 के साथ। ठीक है, ये देखें 45 किलोमीटर, इसको जब हम चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ठीक है, और ये 415 मीटर है, ये जो इनको चेंज करके जो हमारे पास मीटर में वैल्यू आई, इसलिए इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 415 मीटर, इसको क्यों हम चेंज नहीं करें, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है। ठीक है, अच्छा इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45,000 मीटर। ठीक है, किलोमीटर का हमने उसमें चेंज कर दिया है मीटर में, और प्लस 415। अब देखिए दोनों वैल्यू मीटर से आ गई हैं, अब इन दोनों का ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल मीटर आ गए हैं, हमारे पास टोटल कितने मीटर है। ठीक है, इनको हम प्लस करेंगे, एक प्लस करते करेंगे 45,000 प्लस 415। वैल्यू देखिए हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 वाली साइड है, मतलब 5 यहाँ क्या है 1 और 5 यहाँ भी, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 0 है। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्या है 0, हम इसको ऐसे ऐड करेंगे 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 4 4, ये नीचे कुछ नहीं है हमारे पास 0। ठीक है, दोबारा देखते हैं, आपने जब भी वो वैल्यू प्लस करनी है, फर्स्ट वैल्यू राइट की, सेकंड वैल्यू हमेशा इस साइड से स्टार्ट करेंगे, कम से कम। ठीक है, देखेंगे और जो प्लस करें जब आपके पास आंसर आया है और मीटर क्या आएगा, मीटर। हमने इसको कितने कन्वर्ट कर दिया है, मीटर में। ठीक है, इसी तरह हम इसका एक और पार्ट है, वो भी उसमें जो वैल्यू किलोमीटर और मीटर में गिवन है। ठीक है, एफ पार्ट है, अब वो एफ पार्ट आपने यूज करना है, और उसके अलावा बी और ई पार्ट मैंने छोड़ा कि आपको मैंने तीनों पार्ट यूज करके देखिए वहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 मीटर। अच्छा, अब देखिए पहले हमने इसको यूज किया क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब हमने ये सेकंड वाला ये करना है, तो 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आप लोगों ने पहले लर्न कर लिया। अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आए। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, कन्वर्ट इंटू सेंटीमीटर, वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, मीटर में, हम इसको कन्वर्ट कितने करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, एज यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, तो हम
42 मल्टीप्लाई बाय 100। हां जी, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 42 100 मल्टीप्लाई आएगा 4200। ठीक है। अच्छा, आप देखिए हमारे पास मीटर था, हमने इसको कितने कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर में मीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ गया? 1 2 8